हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए, ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमारे चल रहे थे टीजीटी के, क्या चल रहे थे, प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। तो उसमें कंटिन्यू करते हैं, 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे, आगे कंटिन्यू करते हैं 41 क्वेश्चन में। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स, रास्कल्स एंड रोक्स, रेन, अ रेस, राउंड एंड राउंड एंड रग्ड रॉक। विच ऑप्शन इज करेक्ट, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, ओनोमोटोपोइया एंड अपोस्ट्रॉफी। हाइपरबोल जब किसी वर्ड का बहुत ही क्या कहते हैं, एग्जाग्रेशन कर दिया जाए, एग्जाग्रेशन मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाए, तो वहाँ पर हाइपरबोल होता है। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ लेटर जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर को जो है बोलते हैं, रिपीटेशन ऑफ लेटर को बोलते हैं एलिट्रेशन। ओनोमोटोपोइया, जब साउंड से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो वहाँ ओनोमोटोपोइया होता है। और एपोस्ट्रॉफी होता है जब संबोधन, सेंटेंस में संबोधन का भाव हो और ये शाइन मिले या ये ना मिले संबोधन का भाव हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है एपोस्ट्रॉफी, वहाँ क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी होता है। तो चलिए अब बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमारा एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर रास्कल आर वर्ड, आर 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 ये वर्ड का रिपीटेशन ऑफ वर्ड है, इसीलिए कहा गया है कि एलिट्रेशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा बी। तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी। और इसमें कहा गया है जब किसी भी वर्ड की रिपीटेशन हो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 क्वेश्चन। और 42 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट एंड दीज लाइन ऑकर्स इन लैसिडस कॉमर्स पैराडाइज लॉस्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो 42 का आंसर है हमारा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है, लैसिडस कॉमर्स पैराडाइज लॉस्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये सारे जो है प्ले किसके हैं, जॉन मिल्टन के हैं। ये सारे प्ले किसके हैं, जॉन मिल्टन के। ये 1637 में जो है लैसिडस इन्होंने लिखा था, एक एलेजी है। और किसकी याद में लिखा था, एडवर्ड किंग की याद में लिखा था, जो कि इरिस सी में ड्राउन हो गए थे, डूब गए थे। और अब बात आती है कॉमर्स की। कॉमर्स जो है इन्होंने बहुत ही छोटी एज में इन्होंने कॉमर्स लिख लिया था, जॉन मिल्टन ने बहुत ही छोटी ही एज में जो है कॉमर्स लिखा था, जो कि इनका प्ले जो था कॉमर्स वो बहुत पॉपुलर भी हुआ था। कॉमर्स जो है इनका प्ले जो है बहुत ही पॉपुलर भी हुआ था कॉमर्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉमर्स एक क्या था, कॉमर्स एक मशक था। कॉमर्स एक क्या था ये भी जान लीजिए, इसका जनरे क्या था, ये एक मशक था। ठीक है, और ये भी 1637 में ही जो है रिटर्न किया गया था कॉमर्स। ठीक है, दोनों ही लैसिडस और कॉमर्स दोनों ही 1637 में ही क्या हुए थे, दोनों ही 1637 में ही लिखे गए थे, दोनों ही 1637 में ही लिखे गए थे, रिटन थे। और क्या था ये, इसमें रिच माइथोलॉजी कंटेंट कॉमर्स में दिखाया गया है। और ये लूडलो कैसल परफॉर्म किया गया था, लूडलो थिएटर में परफॉर्म किया गया था, लूडलो थिएटर में परफॉर्म किया गया था कॉमर्स। बात आती है पैराडाइज लॉस्ट की। पैराडाइज लॉस्ट हैज स्टार्टेड इन 1658 एंड कम्प्लीटेड इन 1665 एंड पब्लिश्ड इन 1667 एंड इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम। इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम भी कही जाती है। लॉन्ग नरेटिव पोएम है ये। कौन सी, पैराडाइज लॉस्ट जो है लॉन्ग नरेटिव पोएम है। और क्या है, और हमारा एक ये इपिक भी कहा जाता है। जॉन मिल्टन को कहा जाता है, इन्होंने अपने वर्क में ग्रैंड स्टाइल का यूज़ किया है। ठीक है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम विद क्या है, ब्लैंक वर्स। ठीक है,
विद ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट में क्या है, टोटल जो फर्स्ट आया था वर्जन वो 10 बुक्स का था, और इसके बाद ये हमारा कितने बुक्स में हो गया, 12 बुक्स में हो गया था पैराडाइज लॉस्ट। 7th बुक जो है और 10th बुक, इन्हीं दोनों में एक एक पार्ट इंक्रीज कर दिए गए थे, तो ये 12 बुक्स में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। और 7th बुक सबसे लार्जेस्ट बुक है, 7th बुक सबसे क्या है, लार्जेस्ट बुक है, 1189 लाइन्स। और वही शॉर्टेस्ट बुक 9th वाली बुक है, वो सबसे शॉर्टेस्ट बुक है, सॉरी 9th वाली बुक है वो सबसे शॉर्टेस्ट बुक है, 9th बुक जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट बुक है, ठीक है। इसमें एक वर्ड लिया गया है, क्या कहते हैं, हेल, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था पेंडीमोनियम, उसका नाम क्या था, पेंडीमोनियम, हेल का नाम था पैराडाइज लॉस्ट में, हेल का नाम लिया गया था, वो क्या था, पेंडीमोनियम। और जो मैन मैन बनाया था गॉड ने, उसका नाम क्या था, जो मैन गॉड ने बनाया था उसका नाम था वीमेन, जो बनाई थी उसका नाम था ईव, वीमेन बनाई थी उसका नाम था ईव, और मैन बनाई थी उसका नाम क्या था, एडम, मैन जो बनाया था उसका नाम था एडम, ठीक है, मैन बनाया था उसका नाम क्या था, एडम। राफेल एक करेक्टर है इसमें, वो क्या होता है, वो गॉड का एक मैसेंजर होता है जो गॉड भेजता है, जब सैटन जो है इन दोनों को टेम्पटेट कर रहा होता है, अपनी वो जो एक फल होता है ना वो खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये लोग उसके टेम्पटे उसे उसके सैटन के लालच में ना आ जाए, इसके लिए राफेल एक गॉड मैसेंजर बन के आता है और लोगों को वार्निंग देता है, ठीक है। 4th बुक में, जो 4th बुक है उसमें ये भी पूछा जाता है कि कितने रूप जो है वो सैटन ने कितने कन्वर्ट किए थे बुक, ये पूछा गया है। तो 4th बुक में जो है इन्होंने सैटन ने टोड का जो है मतलब शेप लिया था, शेप जो टेकिंग द शेप ऑफ अ टोड, ट्राई टू टेम्प्ट एडम एंड ईव, ठीक है। और आता है कि फिर इसके बाद इन्होंने 9th बुक में सर्पेंट का शेप लिया था, किसका लिया था, सर्पेंट का शेप लिया था, किसमें, 9th बुक में। 4th बुक में टोड का शेप लिया था, 9th बुक में सर्पेंट का शेप लिया था, किसने, सैटन ने, किसने शेप लिया था, सैटन ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पैराडाइज लॉस से थे, ठीक है। अब आता है फिर पैराडाइज रिगेन 1671 में आती है, और अलॉन्ग विद सैमसन एगोनिस्ट ऑल्सो पब्लिश्ड, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोयम है इनकी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और जिसकी ये लाइन थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि 1652 के अराउंड जो है, 1652 के अराउंड जो है वो रिटर्न की गई थी, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड 43 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाट डू वी कॉल अ पाइस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन एंड दैट इज अ सीरियस एंड कंप्लीट। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा पूछ रहा है, बताना है हमको। What do we call a piece of writing? उस पाइस ऑफ राइटिंग को क्या कहेंगे, दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, जो कि एक्शन का इमिटेशन है, एंड दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट, अ कॉमेडी, अ ट्रेजिक कॉमेडी, अ ट्रेजडी, या नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये बताना है आपको कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एक पाइस ऑफ राइटिंग है जो कि एक्शन को इमिटेट करती है, और वो एक्शन कैसे हैं, दैट सीरियस एंड कंप्लीट है। 43 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। देयर आर नेम ऑफ सम ट्रेजिडीज, गॉर्बड्यूक, सबसे फर्स्ट ट्रेजिडी हमारी इंग्लिश लिटरेचर की गॉर्बड्यूक, और मैकबेथ, और ओथेलो, दीज फेमस 4 ट्रेजिडी रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर, ओके। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन कह रहा है, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ शॉर्ट प्ले, अ नॉवेल, अ पोएम, या प्रोज स्टोरी, व्हाट इट इज इट एग्जैक्टली। तो 44 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, पोएम है। जैसे हमने एक पोएम देखी है टिंटर्न अवे,
इंटर्न अभी क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इंटर्न अभी क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अ पोयम इन विच एन इमेज्ड स्पीकर एड्रेस अ साइलेंट लिसनिंग यूजली नॉट द रीडर, मतलब एक इमेजिन किया जाता है, इमेजिन किया जाता है। पोयम इन विच एन इमेजिन्ड स्पीकर, मतलब स्पीकर को इमेजिन किया जाता है और संबोधित किया जाता है साइलेंट लिसनिंग, मतलब इमेजिन किया जाता है, स्पीकर संबोधित कर रहा है, जहाँ पर सुनने वाले भी साइलेंट हैं। यूजली नॉट द रीडर, मतलब यूजली रीडर नहीं है, इमेजिन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ पोयम। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 45। गॉड हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, दिस इज अ वेरी वेरी क्या बोल सकते हैं इसको, कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, नॉट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बहुत विवादित क्वेश्चन है। हर किसी ने अलग अलग बोला है, किसी ने एडम बोला है, किसी ने सैटन बोला है, पर जो आंसर करेक्ट माना गया था वो एडम माना गया था। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 46। क्वेश्चन हमारा कहता है एवरी मैन इज एन इंटरल्यूड, अ ट्रेजिक कॉमेडी, अ कॉमेडी, अ मोरालिटी प्ले। करेक्ट ऑप्शन इज अ मोरालिटी प्ले। एवरी मैन इज अ मोरालिटी प्ले एज द करेक्टर्स रिस्पेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, इट टीचेस अ मोरल एंड इट स्पोक ऑफ एवरी मैन्स एंजाइटी अबाउट प्रिपेयरिंग डेथ। डेथ वॉज एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर इन एवरी मैन। एवरी मैन का इम्पॉर्टेंट करेक्टर क्या है, डेथ। एवरी मैन का इम्पॉर्टेंट करेक्टर क्या है, डेथ। एवरी मैन का इम्पॉर्टेंट करेक्टर क्या है, डेथ। चलिए 47 कह रहा है द स्टेटमेंट अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन हाउ आर फ्री रिफर्स टू इन विच राइटर। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन हाउ आर फ्री रिफर्स टू जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन विच ईयर, 9 December 1608 एंड इन लंदन। एंड इनकी स्टडी कहाँ हुई थी, क्रिस्ट कॉलेज। किससे रिलेट करता था, किस यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। किससे रिलेट करता था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेट करता था। और इसीलिए इनको, ये बहुत ही सुंदर थे, इसीलिए इनको लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा जाता था, रीजन ऑफ दिस ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटी के कारण। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन के बाद आते हैं हम 48 क्वेश्चन में, नॉट 48, वेयर इट इज 48, ओके दिस इज अ 48 क्वेश्चन। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन्स का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या था, हैज नो ट्रेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट, इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज, इज क्वाइट ऑब्जेक्टिव, हैज नन ऑफ द अबव क्वालिटीज। तो इस ऑप्शन इज करेक्ट इज बी, कि 48 का बी, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। ओके मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलॉक इज अ करेक्टर इन एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th नाइट, या मेजर फॉर मेजर। विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट साइलॉक, एंड टेल मी समथिंग अबाउट दिस प्ले ऑल्सो। तो 49 क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा ये बताना है। शाइलॉक जो करेक्टर है वो किस प्ले में शाइलॉक करेक्टर था ये पूछ रहा है। ओके तो सब एज यू ऑल नो अबाउट दिस प्ले, एंड दिस इज अ व्हाट वी कैन से, दिस इज अ दिस टाइप ऑफ प्ले, दिस इज अ रिलेटेड टू द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और इट इज इन अ बेस्ड ऑन रोड्रिगो के लोपेस के द क्वीन ऑफ पोर्टुगीज ज्यूस फिजिशियन। और इसके जो सोर्स कहा जाता है मर्चेंट ऑफ वेनिस का, वो ज्यूस ऑफ माल्टा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस का, ज्यू ऑफ माल्टा इसका सोर्स है। ठीक है इसको 4 एपिसोड में डिवाइड किया गया। हाउ मैनी एपिसोड, 4 एपिसोड में इसको डिवाइड किया गया है। अगर पूछा जाए कभी आपसे कि कैस्केट की स्टोरी किससे रिलेट करती है, तो वो इसी से रिलेट करती है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से, द बॉन्ड स्टोरी
एंड द सेकेंड इज द कैस्केट स्टोरी, सेकेंड इज कैस्केट स्टोरी एंड थर्ड इज ट्रायल सीन. थर्ड क्या है? ट्रायल सीन है. थर्ड क्या है? ट्रायल सीन है. एंड फोर्थ इज रिंग एपिसोड. और क्या? रिंग एपिसोड. बॉन्ड स्टोरी, द कैस्केट स्टोरी, ट्रायल सीन एंड रिंग एपिसोड इज रिलेटेड टू मर्चेंट ऑफ वेनिस. एंड अप्रॉक्स 1596 के अराउंड क्या हुई थी ये? परफॉर्म की गई थी. ठीक है, परफॉर्म की गई थी. अब बात आती है इसके करेक्टर की. तो इसमें एक शाइलॉक करेक्टर था जो कि क्या था? एक यहूदी था, जो कि क्या था? एक ज्यूस था, जो कि क्या था? एक ज्यूस था, जो कि बहुत ही बदमाश क्या था? साहूकार था. बहुत बदमाश साहूकार था. अब आते हैं एंटोनियो. एंटोनियो पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ दिस प्ले. पोर्शिया निरीशा जो है, पोर्शिया की क्या थी? मेड थी. निरीशा मेड थी. लॉरेंजो, लॉरेंजो जो है पोर्शिया का भाई था. लॉरेंजो जो है वो लॉरेंजो जो है वो शाइलॉक का जेसिका जो है लॉरेंजो की जेसिका जो है शाइलॉक की बेटी थी. जेसिका जो है शाइलॉक की बेटी थी, उससे प्यार करता था लॉरेंजो. तो लवर ऑफ द जेसिका इज, लवर ऑफ द जेसिका इज लॉरेंजो. राइट, शाइलॉक की बेटी थी जेसिका, लॉरेंजो उसी की, उसी का लवर था. ठीक है, एंटोनियो हो गया बेसिनियो. एंटोनियो हो गया बेसिनियो. तो स्टोरी अपनी इसी रूप में चलती है. फ्रेंड ऑफ एंटोनियो होते हैं और मर्चेंट ऑफ वेनिस. तो नाम से ही पता है वेनिस स्टेट में परफॉर्म की गई है. साइलॉक एक यहूदी होता है. लास्ट में एंड में दिखाया गया कि दो कंडीशन रखी जाती हैं उसको फ्री करने के लिए. एक तो वो जो थी पॉन्ड का गो मांस निकालना होता है उसको, किसका? बेसिनियो का, वो माफ़ कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है उसको, माफ़ कर दिया जाता है. तो ओवरऑल दिस साइलॉक इज़ रिलेटेड टू द मर्चेंट ऑफ वेनिस. और साइलॉक को अपना ज्यूस धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बनने को कहा जाता है. ठीक है, ये दो लास्ट में इसका एंड क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले है. मूव टू 50th क्वेश्चन. द 12th नाइट, इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स. ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद. इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स लवर्स विद. ये जो हमारा फेमस प्ले है 12th नाइट, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 12th नाइट प्ले अदर नेम इज वॉट, और वॉट, सॉरी, वॉट यू विल, वॉट यू विल, वॉट यू विल, दिस इज अदर नेम वॉट यू विल. एंड 1599 एंड 1600 के अराउंड ये पब्लिश हुआ था. ठीक है, वॉट यू विल नाम है 12th नाइट का. दूसरा नाम है वॉट यू विल. ठीक है, अपोलिनस एंड सीला हिस्ट्री से लिया गया है. ठीक है, हाँ, इसमें क्या होता है? इसमें क्रॉस ड्रेसिंग को अप्लाई किया गया है. क्रॉस ड्रेसिंग मतलब एक टर्म है, क्रॉस ड्रेसिंग बना दिया है, जिसमें डिस्गाइज हो जाते हैं लोग, भेस बदल कर दूसरा रूप रख लेते हैं. ठीक है, तो इसमें सेबेस्टियन एक करेक्टर है, सेबेस्टियन, और एक करेक्टर है वॉयला. सेबेस्टियन और एक करेक्टर है वॉयला, और ये दोनों ही क्या होते हैं? शिपरेक में हो जाते हैं. दोनों ही ट्वींस होते हैं, भाई बहन होते हैं. जो ओलिविया एक करेक्टर है, और इशिनो, और इशिनो एक करेक्टर है जो ड्यूक ऑफ इलेरिया होता है. ड्यूक ऑफ इलेरिया होता है कौन? ओरिसिनो, और जो कि ओलिविया से प्यार करता होता है. लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस होते हैं कि ओरिसिनो ओलिविया से प्यार करने लगता है, और ओलिविया जो है वो सेबेस्टियन से प्यार करने लग जाती है. ठीक है, टॉबी ब्लेच अंकल हैं इसमें. टॉबी ब्लेच अंकल 12th नाइट में, टॉबी ब्लेच अंकल मालबोलियो है, एंटोनियो है. तो दीज आर द फेमस करेक्टर इन दिस प्ले. ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद वॉयला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो. ठीक है, ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद
ओलिविया किससे प्यार करने लग जाती है? वोयला से, जो कि सिजेरियो के बेस में डिस्गाइज्ड होता है। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का जो डोमिनेटिंग पैशन है वो क्या है? वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रेजडी ऑफ शेक्सपियर, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रेजडी ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, मैकबेथ। एंड मैकबेथ में जो लेडी मैकबेथ होती हैं वो इस प्ले की क्या है, हीरोइन कह सकते हो, लेडी मैकबेथ होती हैं। बैंको एक करेक्टर होता है इसमें। और पूछा जा रहा है कि इसका क्या डोमेस्टिक पैशन होता है, तो आई थिंक डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एम्बिशन इसका करेक्टर होता है, डोमेस्टिक पैशन। हाँ, तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड से ये प्ले, स्कॉटलैंड और आयरलैंड से ये प्ले लिया गया, जिसमें मैकबेथ जो है विनर होके आता है, जीत के आता है मैकबेथ और बैंको, और 3 विचेस मिल जाती हैं, और जो कि सारा कुछ इस प्ले का गेम बिगाड़ देती है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन कह रहा है, द नेम ऑफ प्रॉस्पेरो डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज, प्रॉस्पेरो की डॉटर का नाम क्या था? मिरांडा, ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? मिरांडा नाम जो था, प्रॉस्पेरो की डॉटर का नाम था टेम्पेस्ट। ये जो है ओल्ड ब्रिटेन का में परफॉर्म किया गया, ओल्ड ब्रिटेन के बारे में इस पे बताया गया है, और ये एक कॉलोनियल एरिया आइलैंड लिया गया है, इसमें कॉलोनियल एरिया आइलैंड लिया गया है, तो टेम्पेस्ट में ये भी आ जाता है कि कॉलोनियल एरिया किस में लिया गया, तो टेम्पेस्ट में लिया गया है, ठीक है। और ये आइलैंड ले लिया गया जिसमें प्रॉस्पेरो एज अ मैजिशियन वर्क कर रहा होता है, एरियल एक जिन होता है जिसको कि प्रॉस्पेरो ने अपनी मैजिक से अपने कब्जे में कर लिया होता है, साइक्रॉक्स एक चुड़ैल होती है जिसके कब्जे में एरियल होता है, उससे छुड़वाता है प्रॉस्पेरो और अपने कब्जे में ले लेता है। पहले ये प्रॉस्पेरो ओल्ड ब्रिटेन का ड्यूक होता है, लेकिन क्या होता है कि इसका जो भाई होता है प्रॉस्पेरो का भाई कौन होता है, प्रॉस्पेरो का भाई होता है एंटोनियो, प्रॉस्पेरो का भाई कौन होता है एंटोनियो, वही इसके साथ गद्दारी कर देता है, फिर इसके बाद में वहाँ से भाग जाता है, फिर इसके बाद जो है किंग्स ऑफ नेपल्स होते हैं, क्या नाम होता है उनका, किंग्स ऑफ नेपल्स होते हैं जो टेम्पेस्ट में, उनसे बदला लेने उनका वो सब शिप से आ रहे होते हैं, किंग्स ऑफ नेपल्स होता है, और क्या बोलते हैं इसका भाई होता है पोर्शिया का जो चाचा होता है वो होता है, और अलोंजो, किंग्स ऑफ नेपल अलोंजो होता है, सेबेस्टियन अलोंजो ब्रदर, और अलोंजो का बेटा होता है फर्डिनेंड, जिससे कि मिरांडा प्यार करने लग जाती है फर्डिनेंड से, ठीक है, फर्डिनेंड से। तो ये इसकी ओवरऑल स्टोरी होती है, लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। चलिए 53, शेक्सपियर प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, हैमलेट प्ले किससे इन्फ्लुएंस था? मार्लो किड, पीले नेशे, आई थिंक किड से इन्फ्लुएंस था, थॉमस किड से। थॉमस किस वॉज द इंग्लिश प्ले राइट एंड ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजिडी, थॉमस प्ले जो है वो सॉरी थॉमस किड जो है वो क्या थे, स्पेनिश ट्रेजिडी के ऑथर थे, किसके, स्पेनिश ट्रेजिडी के ऑथर थे थॉमस किड, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथ ड्रामा, एलिजाबेथ ड्रामा का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब एलिजाबेथ ड्रामा को डेवलपमेंट करने में इम्पॉर्टेंट फिगर थे थॉमस किड, स्पेनिश ट्रेजिडी के ऑथर थे थॉमस किड, और एलिजाबेथन एरा में जो ड्रामा लिखे गए थे उसको डेवलपमेंट करने में थॉमस किड का हाथ था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फोर ग्रेट ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर, ट्वेल्थ नाइट, ठीक है। 55, द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गॉल्सवर्थी वॉज जस्टिस, द सेम, द स्किन गेम, लॉयलिटीज एंड द सिल्वर बॉक्स, तो द सिल्वर बॉक्स 55 क्वेश्चन का आंसर है। द सिल्वर बॉक्स इज 3-act कॉमेडी, हाउ मैनी एक्ट्स इन सिल्वर बॉक्स, 3-act ऑफ 3-act कॉमेडी, आई वॉज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंदन 1906, जॉन गॉल्सवर्थी, जस्टिस, लॉयल्टीज, द स्किन गेम एंड द सिल्वर बॉक्स एंड स्ट्राइप,
तो द सिल्वर बॉक्स जो है इनका फर्स्ट प्ले है बाई जॉन गॉल्सवर्थी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्ले। शेक्सपियर ने मोस्टली क्या यूज़ किया है अपने प्ले में, हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है इन्होंने अपने प्ले में, या क्या था ऑप्शन, ओके ओके ओके, हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है, ब्लैंक वर्स का यूज़ किया, फ्री वर्स का, स्पेंसर एंड स्ट्रेंजा। हाउ मैनी लाइन इन स्पेंसर एंड स्ट्रेंजा, 9 लाइन्स, ठीक है। और शेक्सपियर एंड सोनेट्स इन 14 लाइन्स, शेक्सपियर एंड सोनेट्स इन 14 लाइन्स एंड फर्स्ट 4 लाइन्स, 4 लाइन्स एंड 4 लाइन एंड 2 लाइन्स, यानी 3 लाइन्स 4 लाइन्स क्या बोलते थे, क्वाट्रेन, क्वाट्रेन बोला जाता था, और 2 लाइन्स को बोला जाता था कपलेट, कपलेट्स बोला जाता था एंड कपलेट्स। तो इनका क्या बन जाता था, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी जी, ये हमारा क्या बन जाता था, राइम स्कीम। शेक्सपियर, शेक्सपियर जो शेक्सपियर सोनेट्स और इंग्लिश सोनेट बोला जाता था। तो मोस्टली इन्होंने जो यूज़ किया है वो है ब्लैंक वर्स, मोस्टली क्या यूज़ किया है, ब्लैंक वर्स यूज़ किया है, ठीक है, प्ले में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन, नो एंड लॉट इन ग्रीक, हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, एंड दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, हु हैज सेड, बेन जॉनसन ने ये बात कही है, बेन जॉनसन ने ये बात कही है किसके लिए, शेक्सपियर के लिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क, मेंशन दैट, वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क, मेंशन दैट, लैसिडस, पैराडाइज अगेन, प्रोज वर्क कौन सा ये कह रहा है, तो लैसिडस, पैराडाइज रिगेन तो इनकी पोएट्री वर्क है। नेक्स्ट आ जाता है पैराडाइज लॉस्ट, ऑल्सो इज रिलेट टू पोएट्री, एरोपेजेटिका, एरोपेजेटिका इनका क्या है, प्रोज वर्क है, और जिसमें इन्होंने क्या बात कही है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस या लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ प्रेस, दोनों बातें हैं, लिबर्टी ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ प्रेस। 59 क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम विच बुक हैज इट बीन टेकन टू बी वॉक इज माइजरेबल डूइंग और सफरिंग, ये कौन सी माइजरेबल है, ये कौन सा जो है कहा गया है, कौन सा इसमें बात कही गई है माइजरेबल, टू बी वॉक इज माइजरेबल। 59 क्वेश्चन का विच ऑप्शन इज करेक्ट, द टेम्पेस्ट, ओफो, ऑप्शंस देखिए और बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते रहिएगा, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस देन इट इज वेरी गुड टू नो अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, सो डू इट। 59 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टू बी वॉक, टू बी वॉक, इट इज रिलेटेड टू द टेम्पेस्ट, टू बी वॉक इट इज रिलेटेड टू द टेम्पेस्ट। मूव टू 60 क्वेश्चन, हु हैज सेड इट, वन इंपल्स फ्रॉम अ वर्नल बुक मे टीच अस मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेक्स कैन, शेक्सपियर, गॉल्सवर्थ, मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ, एंड दीज ऑप्शन इज रिलेटेड टू वर्ड्सवर्थ और वर्नल बुक कहा गया है, तो आई थिंक दिस इज अ रिलेटेड टू द प्रील्यूड, नो नो नो, वर्नल बुक इट इज रिलेटेड टू टेबल टर्न, आई थिंक ये लाइन जो है टेबल टर्न की है, टेबल टर्न की, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 61 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम दोज गिवन फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज ऑनडेड विद अ स्लीप, वी आर सच स्टफ एंड दीज लाइन आर रिलेटेड टू द टेम्पेस्ट, ठीक है।
Move to next question. In which play do the following lines occur? Neither a borrower nor a lender be. For loan oft losses both itself a freedom and. And these lines are related to Hamlet. ठीक है, दीज लाइन आर रिलेटेड टू हैमलेट. और हैमलेट को कहाँ पर परफॉर्म किया गया है? डेनमार्क में. कहाँ पर परफॉर्म किया गया है? डेनमार्क में. कहाँ परफॉर्म किया गया हैमलेट को? डेनमार्क में परफॉर्म किया गया है. तो 62 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा. और इसका सोर्स क्या है हैमलेट का? बोकैसियो. बोकैसियो का जो सेक्सो ग्रामेटिकस है, सेक्सो ग्रामेटिकस, ये इसका सोर्स है सेक्सो ग्रामेटिकस. बोकैसियो एक क्या है? इटालियन राइटर. बोकैसियो एक इटालियन राइटर एंड प्रोफेसर. ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 63 क्वेश्चन कह रहा है द नॉवेल इज वन ऑफ द अर्लीएस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द डिस्कार्डेड फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड नन ऑफ दिस. आई थिंक नॉवेल इज वन ऑफ द, मेरा जितना मानना है वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग होना चाहिए. देखते हैं क्या कहना है. राइट, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग होगा. नॉवेल इज वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एंड इट इज अ नरेटिव वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन. शॉर्ट स्टोरी हमारी जो है और नॉवेल, ये दोनों क्या है? रिलेटेड टू फिक्शन. इट इज रिलेटेड टू फिक्शन एंड फिक्शन इज बेस्ड ऑन, बेस्ड फिक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन रियल इवेंट. बट आई एम टेलिंग यू फिक्शन इज नॉट रिलेटेड टू रियल इवेंट. ठीक है, 63. ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 64 क्वेश्चन कह रहा है एलेजी बिगेन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज इट वॉज रिटन इन द एलेजी एक मेजर. इट वॉज अ पोएम ऑफ सॉरो. इट वॉज रिटन बाई राइटर्स ऑफ एलेजी. सम एक्सपर्ट क्रिटिक्स नेम इट सो. तो आई थिंक इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा बी, इट वॉज अ पोएम ऑफ सॉरो. 65 क्वेश्चन, क्लासिकल ट्रेजेडी वॉज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा, प्रोज, नॉवेल, पोएट्री. आई थिंक इट इज अ ड्रामा, क्योंकि ट्रेजिडी को हम लोग ड्रामा भी कह सकते हैं. तो 65 का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है ये. ये क्या है? 65 का जो आंसर हो जाएगा ये हमारी क्या है? फॉर्म्स ऑफ पोएट्री. फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हम लोगों ने जब पहले स्टार्टिंग में पढ़ा है, अगर भूल गए हो आप तो बता दें, हमने जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको डिवाइड किया था 3 भाग में. इंग्लिश लिटरे, यहाँ लिख देते हैं. चलिए, ये जो इंग्लिश लिटरेचर था उसको जो जनरे हम डिवाइड करते हैं या हम क्या क्या उसमें पढ़ते हैं उसको डिवाइड किया था प्रोज में, पोएट्री में, प्रोज में, पोएट्री में, और एक डिवाइड किया था ड्रामा. ट्रेजडी इज अ पार्ट ऑफ ड्रामा. ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में क्या आ जाता है? फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में हमारा आ जाता है लिरिक, ओड, सोनेट. ठीक है, फिर आ जाता है हमारा एलेजी एंड बैलेड. तो 65 का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ड्रामा. क्लासिकल ट्रेजेडी ड्रामा से, बाकी नॉवेल हमने बताया आपको फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल दोनों फिक्शन है, क्योंकि पोएट्री को फिर हम प्रोज, सॉरी, पोएट्री को फिक्शन नॉन फिक्शन में डिवाइड कर देते हैं. तो ड्रामा को नॉन फिक्शन में और फिक्शन में डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आ जाती है लिरिक, ओड, सोनेट, एलेजी, बैलेड. ये डिवाइडेशन फिर से हम आपको करा देंगे. चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द सोनेट इज अ पोएम ऑफ 10, 14, 12, 16 लाइन. हाउ मेनी लाइन इन सोनेट? तो
एज यू ऑल नो अबाउट वेरी वेल अबाउट दैट कि 14 लाइन्स हैज इन सोनेट, करेक्ट। मूव टू 67 क्वेश्चन, एंड 67 क्वेश्चन कह रहा है द रिस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच ड्रामेटिक्स, द ड्रामेटीज ऑफ इंग्लैंड, इटालियन ड्रामेटिक्स एंड ग्रीक ड्रामेटिक्स। तो जो रिस्टोरेशन पीरियड था वो किससे इन्फ्लुएंस्ड था, तो 67 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द ड्रामेटीज ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि रिस्टोरेशन पीरियड की हमारी एज क्या थी, 1660 से हमारा कब तक चला था, 1770 तक, आई थिंक 1798 तक कह सकते हैं, 1660 से 70, वैसे तो ये कह दिया जाता है ऊपर ऊपर 1600 से 1700 तक कह दिया जाता है, ठीक है, रिस्टोरेशन पीरियड या एज ऑफ ड्राइडन भी बोल देते हैं, बिकॉज मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड, मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड इन दैट पीरियड। पूछा जा सकता है इन विच पीरियड मोनार्की आर वॉज रिस्टोर्ड, तो रिस्टोरेशन पीरियड। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द ऑथर वन हूज ग्रेव चूज हिमसेल्फ आर कार्ड, हेयर इज वन दोज नेम इज रिट ऑफ वाटर। तो 68 क्वेश्चन का आंसर है कीट्स, ठीक है, वर्क ऑफ जॉन कीट्स इन डाइमियन, तो ये किससे लिया गया है, इन डाइमियन से, इन डाइमियन से ये करेक्ट ये लाइन ली गई, हेयर इज वन हूज नेम इज रिट ऑन वाटर, हेयर इज रिट ऑन वाटर, जॉन कीट्स ने लाइन लिखी और ये लाइन रिलेट कर दिया है एंडाइमियन से। चलिए 69 क्वेश्चन है, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द लाइन ऑफ वर्ड्स वर्थ, 69 क्वेश्चन का एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, ओके दीज लाइन इज रिलेटेड टू 16 सही थे, वर्ड्स वर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। मूव टू 70 क्वेश्चन, और 70 क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाई जॉन गॉसवर्थी, तो कौन सा प्ले, द सिल्वर बॉक्स, जॉय वीवर, सिल्वर बॉक्स को लिखा है, जॉय भी लिखा है, और डॉल हाउस, डॉल हाउस जो है वो नहीं लिखा है, डॉल हाउस 3 एक्ट प्ले है, रिटन बाई हेनरी 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 किसन ने लिखा है, हेनरी किसन ने लिखा है। नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिक्स 19th कमेंट्री अपॉन द टीजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, ठीक है, कौन क्रिटिक हैं जिन्होंने जस्टिस के लिए रिमार्क किया है, एसी वर्ल्ड जो है वो क्रिटिक हैं किसके, जस्टिस के, जस्टिस को इन्होंने क्रिटिक किया है, किसने, एसी वर्ल्ड ने जस्टिस को क्या किया है, क्रिटिक किया है, एसी वर्ल्ड ने जस्टिस को क्रिटिक किया है, ठीक है। चलिए मूव टू 72 क्वेश्चन, व्हाट डज द ईडियम प्रोज एंड क्रॉन्स मीन्स, पाप एंड पुन, चेंज ऑफ लाइफ, द आर्ग्यूमेंट अर्ज्ड फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग इरेगुलरली रिपीटेडली, 72 का हमारा आंसर हो जाएगा द आर्ग्यूमेंट अर्ज्ड फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग, 72 का प्रोज एंड कॉन्स मीन्स होता है आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष विपक्ष के लिए तर्क, आर्ग्यूमेंट्स फॉर अगेंस्ट मतलब पक्ष विपक्ष के लिए तर्क। 73 क्वेश्चन, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वाइज ऑफ इंग्लैंड, टेनिशन हैज कॉल्ड लाइक दैट, टेनिशन कॉल्ड माइटी माउथ दैट इन्वेंशन ऑफ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ठीक है। चलिए 73 क्वेश्चन के बाद आते हैं 4 में, हु रोट द फॉलोइंग अबाउट शेक्सपियर अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन, थाउ आर्ट फ्री, मैथ्यू अर्नॉल्ड हैज रिटन दीज लाइन, 74 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 75 द फॉल ऑफ इन 1453 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रेनेसा इन यूरोप, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक ऑफ द अबव सेंटेंस, बेस्टाइल द रोमन एम्पायर, स्पेनिश आर्मडा या कॉन्स्टेंटिनोपल, तो 1453 में
कॉन्स्टेंटिन पोल ही जो है वो इसका आंसर होगा। जब इसके बाद कॉन्स्टेंटिन पोल के पास बिगनिंग ऑफ द रेनेसा हो गया था, क्या हो गया था? बिगनिंग ऑफ द रेनेसा इन यूरोप में हो गया था। आया कहाँ से था? इटली से आया था, इटली से आया था, ठीक है। एंड चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड 75 क्वेश्चन के बाद, विच क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन के बाद आते हैं हम लोग 78 क्वेश्चन में। और 78 क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फील इन लव विद गर्ल नेम कैथरीन मैरी एचिंसन एनेट वॉलन। अ बेंड इन गंगाज इज अ वर्क ऑफ अनीता देसाई, अमिताभ घोष, मनोहर मालगोनकर एंड मुल्क राजानंद। तो 77 का जो आंसर हो जाएगा मनोहर मालगोनकर, 1964, रिटर्न इन जनरे ऑफ इज दिस दिस इज अ नॉवल, दिस इज अ नॉवल बाय इंडियन ऑथर मनोहर मालगोनकर। इट इनकम्पासेस द स्वदेशी मूवमेंट, बेंड इन गंगाज में इनकम्पासेस द स्वदेशी मूवमेंट्स एक्टिविटीज फ्रीडम फाइटर्स एंड द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1964, आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द ब्रिटिश रिट्रीट फ्रॉम रंगून, द बॉम्बे डॉक एक्सप्लोजन एंड द डिवीजन ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मीन्स ऑफ आउटब्रेक? टू स्प्रेड। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस दिस लाइन ऑफ बोरोइंग एज रेफरेंस टू, रेफरेंस टू किसको रेफरेंस जाता है? हैंडफुल ऑफ सिल्वर, 78 का ऑप्शन करेक्ट होगा वर्ड्सवर्थ, 78 का ऑप्शन करेक्ट होगा वर्ड्सवर्थ, ठीक है। 79 क्वेश्चन, 79, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ अ पोएट हु वाज अ ड्रामेटिस्ट आल्सो, विलियम शेक्सपियर, रे ऑफ लुकरी एंड वीनस एंड एडोनिस। बहुत पोयम जो है फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1593 में, 1593 एंड 1594, एंड दीज हैज 6 लाइन्स एंड ले पावी हैज 7 लाइन्स। चलिए मूव टू लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन। लेफ्ट क्वेश्चन आई विल टेल यू नेक्स्ट लेक्चर। विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन? नवम ऑर्गम, ए डॉक्ट्रीना क्रिश्चीना, इन डाइमियन एंड प्रोथालमियन। तो 80 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी। विच ऑफ द वर्क, इंडाइमियन तो अच्छा कीट्स का है, वर्क इज अ वर्क ऑफ मिल्टन, डी डॉक्ट्रीना क्रिश्चियाना जो है वो किसका वर्क है? वो जॉन मिल्टन का वर्क है, डी डॉक्ट्रीना क्रिश्चियाना, ठीक है। फ्रांसिस बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, एसे आर ऑफ एम्बिशन ऑफ सूटर्स ऑफ रिवेंज, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहे जाते हैं फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ एसे कहे जाते हैं मॉन्टेंग जो कि एक फ्रेंच राइटर और फिलोसोफर थे, ठीक है। चलिए 81 क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट जो प्रैक्टिस पेपर वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, इस सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ये मत सोचिए इजी हैं या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, बहुत इजी क्वेश्चन भी कभी कभी कन्फ्यूज कर देता है। सो कीप इट अप एंड डू इट एंड All the best for your future. Okay, thank you so much.